हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 13 सितंबर। इस समय चल रहा है दिव्य दरबार। अभी यहाँ 1 बजने वाले हैं, अभी आधे से घंटा और यहाँ दरबार चलेगी। तो काफ़ी भीड़ यहाँ हो चुकी है, बहुत जगह एकदम फुल हो चुका है। अलग न गाड़ी रखने जगह है, न लोगों को बैठने की जगह है। जिसको जो जगह मिल रही लोग बैठ गए हैं। पीछे टीवी की व्यवस्था कम है तो लोग दर्शन भी नहीं कर पाए महाराज जी की। तो आप देखिए यहाँ पर आवाज़ भी नहीं आ रहा साहब, लोग बस बैठ के सुन, थोड़ा भी सुन पा रहे हैं हल्का फुल्का। तो महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा है, बस लोग आए अपना समय निकाल के, कीमती समय। तो महाराज जी सब पर कृपा करें, सबकी कम से कम एक मनोकामना जरूर पूरा करें। तो आप लोगों से मेरे एक तरफ से उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। और जो लोग नए चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरे कथा का मैं पर डे हर 2-2 घंटे अपडेट देता रहूँगा, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी मेरे न्यूज़ मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल का नाम है वाराणसी ब्लॉग फॉर यू। तो आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, और सबको बोलिए वो आगे शेयर करें। और सभी लोग कम से कम 5 लोग सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो आप बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार देख रहे हैं बनारस में। तो देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पर, तो लाखों लोग आ जाए हुए हैं हमारे बनारस काशी में, काशी विश्वनाथ की धरती पर। भीड़ इतनी जबरदस्त है कि हम खुद पास नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर एम्बुलेंस है, पुलिस वाले हैं, हर चीज़ व्यवस्था रखी गई है। कोई भी इमरजेंसी हो तो किसी को कोई दिक्कत ना हो।